हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मनसा देव्ये स्वाहा। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, अपितु पूरी श्रद्धा भाव से हर रोज इसका जप करने वाले न जाने कितने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि ये मंत्र है भगवान शिव के मस्तक से जन्मी महिषासुर दैत्य का वध करने वाली, हर विष को काटने वाली तथा हर भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मनसा माता का, जो विराजती हैं पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार के शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर। भक्तों, आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं माता के इस सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर के। भक्तों, मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड के बहुप्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत के शिखर पर स्थित है। माता के इस प्राचीन मंदिर को बिल्व तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर हरिद्वार के 3 पवित्र सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर एवं मनसा देवी मंदिर में से एक है। मनसा माता का ये मंदिर हरि की पौड़ी के समीप स्थित मनसा माता को समर्पित है। भक्तों, मनसा माता को नागों की देवी कहा गया है। अतः इस मंदिर की बहुत सी विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि यहाँ पहले मनसा माता की पूजा के बाद ही नागों या सर्पों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मनसा माता अवश्य पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि अपनी मन्नतें लेकर देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर आते हैं। मंदिर पर्वत पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है रोप वे द्वारा, प्रति व्यक्ति एक निर्धारित मूल्य देकर कुछ ही मिनटों में मंदिर पहुंच सकता है। दूसरा रास्ता सीढ़ियों एवं सड़क मार्ग द्वारा होते हुए मंदिर पहुँचने का है। मार्ग में भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु माँ को चढ़ाने के लिए फूल माला, नारियल फल, अगरबत्ती इत्यादि खरीद सकते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, जहां श्रद्धालु कुछ देर आराम करते हुए जलपान करके फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। भक्तों, वर्तमान मंदिर जहाँ पर है उसके विषय में प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार, जब राक्षसों से त्रस्त देवताओं ने देवी माँ से उनकी रक्षा की गुहार लगाई, तब माँ ने विकराल रूप धारण कर राक्षसों का वध किया और उसके बाद वर्तमान स्थित मंदिर की पहाड़ी पर कुछ समय विश्राम किया, जिस वजह से देवी का स्थान जानकर कालांतर मनसा माता के मंदिर का निर्माण किया गया। मनसा माता के इस पवित्र मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह द्वारा 1811 से 1815 ईस्वी में करवाया गया था। मान्यता है कि मंदिर उन 4 स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के बाद निकली अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। बाद में इस स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण के बाद जैसे जैसे इस मंदिर की ख्याति फैलती गई, धीरे धीरे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी और आज ये मंदिर हरिद्वार के 3 सिद्धपीठों में से एक है और पूरे देश से प्रतिदिन यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के जयकारे लगाते हुए भक्तों का जत्था मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करके एक कतार में गर्भगृह की ओर बढ़ता है। यहाँ लगी हुई रेलिंग में भक्तों द्वारा बांधी गई असंख्य चुनरियां भरी हुई हैं। भक्तों, वैसे तो माँ के दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में भीड़ होती है, किंतु कुछ विशेष उत्सवों पर यहाँ संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। माता की चरण पादुका के पास पहुंचकर श्रद्धालु पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। समीप ही स्थित हवन कुंड में माता का स्मरण कर अगरबत्तियां अर्पित की जाती हैं
और फिर आता है वो दृश्य जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु सिर्फ एक धुन में तमाम कष्टों को सहन करने के बाद माँ के दर्शनों को आते हैं। सामने चांदी के बने सुंदर भव्य गर्भगृह में विराजमान मनसा माता के दर्शन कर भक्तगण भाव विभोर हो उठते हैं। मंदिर की विशेषता के अनुसार यहाँ माता की दो प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक प्रतिमा में देवी माँ के तीन मुख एवं पांच भुजाएं हैं, दूसरी प्रतिमा में माता अष्ट भुजाओं के साथ विराजमान हैं। माता के इस रूप के दर्शन कर भक्तगण अपने सभी दुख दर्द भूल कर उनसे अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं और माता अपने भक्तों की पुकार सुनती भी हैं। गर्भगृह में मनसा माता के दर्शनों के पश्चात श्रद्धालु समीप ही स्थित उस हिस्से में आते हैं जहां पर चामुंडा माता के मंदिर के साथ ही स्थित है वो चमत्कारी वृक्ष, जिस पर सभी श्रद्धालु चामुंडा माता का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को हृदय में रखकर मन्नत का धागा बांधते हैं। मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं को यहाँ फिर से आकर ये धागा खोलना होता है। इसके पश्चात श्रद्धालु मंदिर परिसर में विराजित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। श्रद्धालु समीप ही विराजित हनुमान जी महाराज के मंदिर के भी दर्शन करते हैं। भीड़ से खचाखच भरे परिसर में श्रद्धालु मनशेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन करते हैं। महादेव के दर्शनों के पश्चात परिसर में विराजमान गरुड़ वाहिनी माँ वैष्णो देवी का भी मंदिर है। श्रद्धालु वैष्णो माता के दर्शन कर उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। परिसर में बाबा काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। भक्तगण काल भैरव बाबा का भी दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, मनसा देवी के प्राकट्य के विषय में विभिन्न पुराणों एवं किंवदंतियों के अनुसार भिन्न भिन्न मत हैं। भगवान शिव के मस्तक से उत्पन्न होने के कारण इनको भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पुत्री माना जाता है, जिनके अन्य चार भाई बहनों के रूप में भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी जी, माता ज्योति जी एवं छोटे भाई के रूप में भगवान गणेश जी माने जाते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब उनके संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ वो मनसा देवी माता का रूप है। अन्य मान्यता के अनुसार ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी कद्रु को मनसा देवी के पालक माता पिता के रूप में माना जाता है तथा उनके पुत्र वासुकी नाग की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इस आधार पर प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार नाग वासुकी की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया। ये प्रतिमा शिव वीर से स्पर्श होते ही एक नाग कन्या बन गई जिसे मनसा नाम दिया गया। मनसा को देखकर तथा अपनी पुत्री जानकर भगवान शिव को बहुत हर्ष हुआ और वो मनसा को लेकर कैलाश पर्वत गए। माता पार्वती ने भी मनसा देवी को अपनी एवं भगवान शिव की पुत्री जानकर उन्हें सहर्ष मातृत्व के साथ स्वीकार किया। इसके पश्चात उचित समय आने पर इनका विवाह ऋषि जर्तकारु से हुआ और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। बाद में मनसा ने ही शिव को हलाहल विष से मुक्त किया था। भक्तों, पुराणों में वर्णित कुछ कथाओं के अनुसार मनसा देवी को नाग कन्या होने के कारण विष की देवी के रूप में भी जाना जाता है। वे किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम विषहरी रखा। माना जाता है कि मनसा देवी को पहले कुछ ही वर्ग के लोग आदिवासी देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन जब इनकी प्रसिद्धि फैली तो अन्य देवी देवताओं के साथ ही मनसा देवी की पूजा मंदिरों में होने लगी। 14वीं सदी के बाद इन्हें मंदिरों में आत्मसात किया गया। मनसा माता मंदिर के द्वार अपने भक्तों के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर माता के श्रृंगार व भोग के लिए बंद होता है, अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में माता की प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं, प्रातःकालीन आरती 6:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 7:30 बजे होती है।
आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। मनसा माता के मंदिर में वैसे तो सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर चैत्र और कुमार के नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। हर ओर फूलमाला से सजा मंदिर, पहाड़ी पर झिलमिलाती रंग बिरंगी बत्तियां तथा चारों ओर गूंजते माता के भजन व भक्तों के जयकारे से ये पवित्र स्थान बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। मनसा माता की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। भक्तों, आप मनसा माता मंदिर के दर्शन के अतिरिक्त हरिद्वार स्थित हरि की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, शांति कुंज गायत्री परिवार, पवन धाम, दक्ष प्रजापति मंदिर, माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि, भीमगौड़ा बैराज, राजाजी नेशनल पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, श्री विष्णु घाट, गौ घाट, गौरी शंकर महादेव मंदिर, श्री व्यास आश्रम, श्री प्रेम नगर आश्रम, श्री माँ आनंदमयी आश्रम, भूमा निकेतन मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, लाल माता मंदिर, दूधाधरी बर्फानी मंदिर, कामराज की काली जी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, स्वामी विवेकानंद पार्क, नीलधारा पक्षी विहार, क्रिस्टल वर्ल्ड, मोती बाजार आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, हरिद्वार एक ऐसा पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है जहां किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन मनसा देवी मंदिर के दर्शन के लिए बेहतर समय मार्च से जून तक का माना जाता है। इन महीनों में गर्मी होती है और हरिद्वार का पहाड़ी क्षेत्र यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को शीतलता प्रदान करता है। भक्तों, आप मनसा देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा मनसा देवी मंदिर पहुंचने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो या टैक्सी आदि साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायु मार्ग द्वारा मनसा देवी मंदिर पहुंचने के लिए देहरादून हवाई अड्डा लगभग 45 किलोमीटर दूर है। देश के किसी भी शहर से यहां पहुंचकर आप कैब या बस के माध्यम से हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा मनसा देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार के एक सुप्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल होने की वजह से ये देश के सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहनों द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप जगत जननी मनसा माता मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम, इति शुभम।